नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में रिलायंस पावर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। SECI के तरफ से बैटरी स्टोरेज का एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है, तो क्या इस ऑर्डर के बाद ये स्टॉक बहुत बड़े तेजी के तरफ यानी 70, 80, 100 यानी 100 जैसे लेवल दिखेंगे, या ये न्यूज भी ऑलरेडी डिस्काउंट होते दिखेगा? तो आगे के ट्रेंड और इस न्यूज के इम्पैक्ट को समझेंगे इस एपिसोड में। इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले रिलायंस पावर आज देखेंगे तो काफी अंडर परफॉर्म है। जब से अनिल अंबानी को बैन करा गया या रिलायंस होम फाइनेंस को बैन करा गया, तब से ये स्टॉक काफी इम्पेक्ट रहा है। हालांकि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ मेंबर ने कहा कि जो अनिल अंबानी है वो ऑलरेडी बोर्ड के मेंबर नहीं है पिछले कुछ साल से, और फाइनेंशियल या फिर इसके ऑपरेशन पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, उसके बाद भी ये स्टॉक अंडर परफॉर्म रहा है। और कितना अंडर परफॉर्म है ये देखें कि अपर सर्किट तो लगा लेकिन क्लोजिंग होते होते यहाँ पे सेलिंग आई, यानी जो बायर है वो कन्विक्शन इस स्टॉक में नहीं खोज पा रहे हैं। यहाँ जो खबर रही उस खबर को सिंपली समझें कि रिलायंस पावर विन 500 मेगावाट SECI बैटरी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट, शेयर सर्ज 5%, और वो 5% को सस्टेन नहीं कर पाया। यहां देखेंगे रिलायंस पावर सिक्योर करा 500 MW बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट थ्रू SECI कॉम्पिटिटिव ऑक्शन, यानी ऑक्शन के थ्रू कंपनी को ये ऑर्डर मिला। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट द कंपनी शेयर सर्ज 5%, ट्रेडिंग एट 32.32 रुपीज। अब मैं आगे यहां आपको दिखाऊं तो यहां देखेंगे रिलायंस पावर ने जीता, हैज वॉन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट टू एस्टेब्लिश अ 500 मेगावाट 1000 MWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS अवार्डेड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर थ्रू अ कॉम्पिटिटिव ऑक्शन, कॉम्पिटिटिव ऑक्शन के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने सिक्योर करे। इसके अलावा इज अ पार्ट ऑफ SECI एम्बिशन इनिशिएटिव टू डेवलप 1000 MW और 2000 MWh ऑफ स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये खबर रही जिसका आज इम्पैक्ट हमने अपने को देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज इस स्टॉक में क्या वॉल्यूम रहा वो समझना काफी इंपोर्टेंट है, और आज के वॉल्यूम लगभग 4.4 करोड़ के रहे, जो रिसेंट के वॉल्यूम के कंपेरेटिवली लगभग लगभग डबल रहा। अब चार्ट को देखें तो देखेंगे कि आखिर ये ट्रेंड कहां से सस्टेनेबल होगा या सप्लाई अभी भी इस स्टॉक में पेंडिंग है, वो समझना काफी इंपोर्टेंट है। तो यहां अगर मैं रिलायंस पावर के प्राइस को दिखाऊं तो स्टॉक जो है आज लगभग लगभग यहां आज के ट्रेंड को देखेंगे तो यहां पे थोड़ा चार्ट मिसिंग है, एक बार मैं BSE के चार्ट पे चलेंगे, सॉरी ये तो 15 मिनट का चार्ट है। हाँ, यहां देखेंगे जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो मैंने क्या कहा पिछले वीडियो, दो दिन पहले भी जो वीडियो बनाया कि ये सपोर्ट पे है, ये डाउनसाइड बहुत लिमिटेड दिख रहा है, बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़े ट्रेंड आपको एक्सपेक्ट करने हैं तो मिनिमम 34 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए होगा, तब हम 52, 70, 100 जैसे लेवल एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जाते हैं, 6 महीने 1 साल होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 5, 10, 15, 20 दिन के प्रोस्पेक्टिव से जाते हैं तो यू शुड रीथिंक कि आपको लेना चाहिए कि नहीं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।